तो गाइस, मैं आज करने वाली हूँ किचन का एक्सट्रीम किचन मेकओवर, और कुछ बहुत सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ। और ये कुछ हाइलाइट्स हैं वीडियो की जो आपको दिख रही हैं, और आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग आज का पसंद आएगा। लिटरली मैंने किचन पूरा चेंज कर दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन का पूरा मेकओवर। आई होप कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहे और मैं काफी सारी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के संग शेयर करूंगी। तो मैं अपना पूरा किचन का लुक दिखाती हूँ, और बिफोर और आफ्टर का लुक देख के आप मुझे बताइएगा क्या ये मेरा मेकओवर अच्छा रहा है। और अभी मैं किचन का पूरा हाल दिखाती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। और मुझे ये पूरा मेकओवर करने में लग रहा है कि 6 से 7 घंटे लगेंगे, बिकॉज किचन का काम सबसे ज्यादा काम होता है। तो अभी मैं पहले किचन का दिखाती हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। तो ये है किचन का हाल, और ये बिफोर और आफ्टर का लुक देख के आप ज़रूर से मुझे बताइएगा क्या मैंने एक अच्छा मेकओवर किचन का किया है या नहीं। और इस समय किचन का हाल लिटरली काफ़ी गंदा हो रहा है, और दिवाली का ही टाइम होता है जब हम पूरा किचन अपना चेंज कर देते हैं, और हर ईयर शायद हर घर में यही होता है। और सफाई तो बहुत ज़रूरी होती है। आई डोंट नो वाई दिवाली हम लोग सफाई के लिए ज़्यादा सोचते हैं, बट करते हैं सफाई। तो मैंने भी इस बार सफाई की, और मैं पूरी तरीके से इस बार लग गई हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक एक सेक्शन लिया है, और मैंने यहाँ पे छोटा वाले ब्रश को डिटॉल में और फिनाइल में नमक में मिक्स करके मैंने यहाँ पे ब्रश कर रही हूँ, जिससे कि छोटे छोटे से जो जाले बन जाते हैं ना, जिसमें कीड़े होते हैं बहुत नन्हे वाले, वो सब हट जाएंगे इससे। तो मैंने पहले ब्रश से साफ़ किया, उसके बाद मैंने इसको पूरा कपड़े से बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, और इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। उसके बाद मैं इसमें बर्तन रखूंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ऊपर वाले टॉप पे मैंने सारे कप्स लगाए। पहले ये कप्स सेकेंड वाले रूम में रखे हुए थे, लेकिन इस बार जब मैं चेंज कर रही हूँ तो मैं पूरा ही चेंज करूँगी, बिकॉज इससे थोड़ा सा मेंटली भी हम पीसफुल फील करते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज कर दूंगी, जिससे मुझे भी बहुत अच्छा लगे और किचन में काम करने में इंटरेस्ट आए। तो यहाँ पे कुछ जो बर्तन ऊपर वाले टॉप पे रखे थे वो थोड़े थोड़े से गंदे हो रहे थे, तो मैंने उसको पहले अच्छे से कपड़े से इसको साफ कर दिया है। जिनको वॉश करना था मैंने उसको वॉश कर दिया है। तो यहाँ मैंने कुछ बर्तन ये वाले लगा दिए हैं। मैं एक एक सेक्शन करके ही सारी चीज़ें कर रही हूँ, और दूसरे सेक्शन पे आ गई हूँ मैं। यहाँ पे मैंने सारे बर्तन निकाल दिए, और इसका देखिए कितना गंदा हाल है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अगेन मैंने ब्रश को लेके और हल्का हल्का सा स्प्रे मार दिया था, और दूसरा मैंने यहाँ पे हार्पिक यूज़ किया है। मैं किचन के लिए एक अलग से हार्पिक रखती हूँ धुलने के लिए, सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हार्पिक डाला है, और थोड़ा सा मैंने गर्म पानी स्प्रे कर दिया है इस पर, और उसके बाद देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया है, बिल्कुल अर्बन क्लैब वालों की तरह। मुझे लगता है उनसे भी बेटर किया है, और हमें ज़रूरत नहीं है फालतू के पैसे वेस्ट करने की। अगर कुछ काम हम अपने आप से कर सकते हैं ना, तो ज़रूर से करने चाहिए, और हार्पिक बेस्ट है। तो आप ट्राई करिएगा इसको, और आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। किचन का एक हार्पिक अलग ही रखिए। एक्चुअली में कभी कभी कुछ बर्तन धुलने में भी बहुत काम आता है, जैसे कि कढ़ाई हो गई, हमारा तवा हो गया जो काफ़ी ब्लैक हो जाता है, जिस पे जंग आ जाती है, तो उसको ना थोड़ा सा गर्म करो और हार्पिक डालो और अच्छे से मसल दो, इतना क्लीन हो जाएगा। उसके बाद मैं अपने थर्ड सेक्शन पे आई, और मैं एक एक सेक्शन करके ही कर रही हूँ। फिर मैंने यहाँ पे जो फिनाइल था, मैंने यहाँ पे फिनाइल लिया है एक पूरा ढक्कन भर के। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब कबर्ड वगैरह में हम बर्तन या कुछ भी बॉक्सेस वगैरह रखते हैं ना, तो कितना भी आप साफ सफाई का ध्यान रख लो, उसमें कीड़े ज़रूर से आ जाते हैं। तो उसको पोंछ के फिर मैंने जो इतना बुरा हाल हो रहा था ना, सारे डिब्बों को एक के ऊपर एक रख दिया है, जिससे कि मुझे कुछ भी चाहिए हो ना, तो मुझे आगे या पीछे करके डिब्बों को नहीं देखना पड़े, सब एक के ऊपर एक लगा दिए हैं। और यहाँ मैंने मैगी मसाले के डिब्बे लगा दिए। उसके बाद अगेन मैंने यहाँ पे हार्पिक लिया, और उसके बाद मैंने इस मिक्सर पे डाल दिया है, और इसे लगाने के बाद इसको बस हल्का सा ब्रश मार दीजिए, और 2 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिए,
और फिर कपड़े से पोंछ दिए, बिल्कुल चमक जाएगा। डेफिनेटली आपको इतना अच्छा लगेगा ना, आप हार्पिक के अलावा कुछ और यूज़ करना पसंद ही नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी गाइज। और ये देखिए कितनी अच्छे से क्लीन हो गई है। और मैं सफाई करने के लिए आज मैं बिल्कुल सोच के बैठी हुई हूँ कि मुझे आज पूरी सफाई करनी है, तो मैं बस ऊपर चढ़ गई हूँ और यहाँ पे ये सारी पॉलीथिन वगैरह अच्छे से जो पीली पीली सी हो गई थी और ये हटाई नहीं थी हमने पहले से, तो अभी मैं इसको हटाने का टाइम आ गया है बिकॉज ये बिल्कुल ख़राब हो गई है। तो बस मैंने यहाँ पे सारी सफाई की और इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे मैंने हल्का सा हार्पिक कपड़े पे लिया है उससे ही मैं पोंछ रही हूँ और सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे हार्पिक लेके और इस टाइल वगैरह पे मैंने अच्छे से डाल दिया है और अच्छे से स्क्रब करूँगी उसके बाद। और मैंने स्क्रब करने के लिए मुझे ग्लव्स नहीं मिल रहे थे तो मैंने एक पॉलीथिन ली थी जो कि मीशो की थी और उसको पहन के और ऊपर से स्क्रबर लेके मैंने अच्छे से साफ़ करना शुरू कर दिया था। आज तो बस मैंने कसम खा के उठी हूँ कि आज तो मुझे पूरी सफाई करनी ही करनी है, पूरा किचन चमकाना है। हालांकि मुझे जितना काम मैं आपको 5 या 10 मिनट में दिखा रही हूँ ना, इस काम को करने में मुझे 5 से 6 घंटे लगे हैं और थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट लिया बिकॉज फास्ट था तो इसीलिए एकदम से काम नहीं हो पा रहा था। उसके बाद ये सारी लाइन मैंने क्लीन की है बिकॉज यहाँ पे भी मैंने हार्पिक ही डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है, सॉरी मैं इस वीडियो में दिखाना भूल गई। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक्वागार्ड अच्छे से साफ़ किया, ये इसके भी हाल काफ़ी बुरे हो रहे थे और मैं शायद थोड़ा सोचे बैठी थी कि दिवाली आएगी, दिवाली की सफाई में तो सब हो ही जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है ना, तो हम हाथ के हाथ चीज़ें नहीं करते, हम सोचते जब सब साफ सफाई होगी तभी हम सारी चीज़ें करेंगे। तो इधर मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन हो गया है और मुझे किचन को पूरा चेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने इस जो ये कबर्ड मेरा लिविंग एरिया में रखा हुआ था इसको मैंने किचन में ही ला के रख लिया बिकॉज इसमें हम ग्रॉसरी का सारा सामान रखते हैं। तो पूरा किचन तो आज पक्का चेंज होगा। और इसके बाद मैं बाहर वाले स्लाइडर डोर पे पूरा लग गई हूँ और ये पहले मैंने कपड़े से साफ़ करने की कोशिश की थी, बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने बिम बार जहामा लेके उसके बाद मैं लग गई और इस वाइपर से मैंने इतना काम लिया है ना, तो आज इसका इसने काम देने से मेरे को मना कर दिया, ये बिल्कुल साफ़ नहीं हो रहा था। मुझे आखिरकार पाइप लेके पानी ही डालना पड़ा। कभी कभी क्या होता है ना, शीशे हम कितना सोचते हैं कि कपड़े से या अखबार से साफ कर दें बट वो नहीं होते, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो बस स्क्रबर लिया करिए और मार दिया करिए, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो आज मैंने सेम यही किया है और उसके बाद बिल्कुल सूखे कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और देखिए आज तो मेरा पसीना निकल गया है और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बट इसके एंड ऑफ द रिज़ल्ट से मैं बहुत खुश होने वाली हूँ। और एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको अपने हाथ ख़राब नहीं करने हैं ना, तो कोई भी एक सॉक्स ले लीजिए, उसको हाथ में पहन लीजिए और बस इसको करके लेके सफाई करिए, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, हाथ बिल्कुल गंदे नहीं होंगे। ये मुझे ना बाद में ध्यान आया तो मैंने बस जब जागूँ तब सवेरा, तो यस मैंने यहाँ पहन के फिर बस मैंने सफाई करना शुरू कर दिया। और जो ये आप सॉक्स लेना, तो सॉक्स थोड़ा सा कॉटन का होगा तो ज़्यादा अच्छा है, थोड़ा सा मोटा वाला सॉक्स जो होते हैं वो। और हमारे पास ऐसे बहुत सारे सॉक्स होते हैं जो वेस्ट पड़े हुए होते हैं और हम इसको ऐसे ही फेंक देते हैं, तो आप इसको ऐसे यूज़ करिए 8-10 बार और फेंक दीजिए। उसके बाद मैंने ये फ्रिज के ऊपर, अब माइक्रोवेव रखा है, माइक्रोवेव के ऊपर ये बैम्बू प्लांट रख दिया और इसके बाद एक ये शोपीस रखा है, तो इससे लुक अलग ही ग्रेसफुल आने वाला है। तो यहाँ मैंने ये ले लिया है ट्रे, ये वो वाली ट्रे है जो हमें दिवाली या होली पे कभी गिफ्ट्स रैप वगैरह में मिलती है ना, तो इसमें कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख कर आते हैं, तो ये मैंने वो ट्रे बहुत संभाल के रखा था शायद इसी दिन के लिए जो मेरे किचन का मेकओवर में हेल्प करेगी। तो इसमें मैंने कटलरी लगा दिया और सिपर बॉटल्स रख दिया, बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जब उनको चाहिए होगा तो एकदम से ले लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने नाइफ स्टैंड लगा दिया है और चीनी बर्तन जो कि किचन मेकओवर में सबसे ज़्यादा एनहांस करेंगे मेरे लुक को। तो बस इसके बाद मैंने साइड बाय साइड मैंने कर्टेंस भी वॉश कर दिए थे और यहाँ पे कर्टेंस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज यहाँ धूप बहुत ज़्यादा आती है, तो यहाँ पे मैंने अल्टरनेट करके कर्टेन डाले। आपने पहले देखा होगा तो पिंक कलर के बस पिंक वाले कर्टेंस पड़े हुए थे जो कि 2 थे और अब मैंने पिंक और पर्पल का कॉम्बिनेशन डाल दिया है। उसके बाद ये मैंने फ्लावर्स लिए हैं, बहुत प्यारे हैं, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिए थे और बहुत सस्ते मिले थे। इसकी जो नेब होती है उसको बस बैंड कर दीजिए और उसको कर्टेन पे लगा दीजिए, कर्टेन के पूरे लॉक पे,
तो बस देखिए कितना सुंदर लुक आता है किचन में, थोड़ी सी इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसके बाद मैंने अपने ग्रिल को किया अच्छे से साफ, और ये मैंने सिंपल पानी से ही वॉश साफ कर रही हूँ क्योंकि इसको धुल तो सकते नहीं है। अगर हम लोगों का वॉश चले तो हम सबको धुल दें, बट हम इसको कंट्रोल करे हुए इसको नहीं धुल रहे हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा किचन का लुक एनहांस करने के लिए ना, अगर आपको करना है तो सिंपल से ये लाइट ले आइए। ये ज़्यादा महंगी नहीं है लाइट, ऑनलाइन भी मिल रही है, शॉप पे भी बहुत इजी वे में मिल जाएगी। और उसके बाद मैं, बहुत देर हो गया था मुझे करते करते, फिर मैंने हस्बैंड को बोला चलिए चलिए अब आप लग जाइए, तो हस्बैंड को ऊपर चढ़ा दिया है। और ये लीव्स मैंने मीशो से मंगाई थी, बहुत सस्ती मिली थी। सो आप लोग भी मंगाइए, मेरा हो बहुत गया है अच्छा लगेगा। किचन पूरा मेकओवर, अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. सो गाइस कैसा लगा आपको? आई होप कि आप लोगों ने बहुत पसंद करेंगे आप इसको, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज जरूर से लाइक करिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है इसको डेकोरेट करने के लिए, और ये वाली स्ट्रिंग्स लिटरली मतलब बहुत अच्छा काम करती हैं, और इसको लगाती ना एकदम से मतलब पूरा लुक चेंज हो गया है। तो ये लाइट्स भी आप यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा है और बहुत सुंदर किचन लग रही है। और आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर से बताइएगा। तो मैं फिर मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में, और मैं इस तरीके के, अब दिवाली से पहले 2-3 ब्लॉग्स और आएंगे बिल्कुल मेकओवर के ऊपर, सारे रूम मेकओवर के ऊपर, लिविंग रूम मेकओवर के ऊपर। तो प्लीज जरूर से लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ख्याल रखिएगा अपना, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।